गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो बच्चों, आप सबने थंबनेल देखा होगा और आई होप सो कि थंबनेल देख करके ही आप इस वीडियो पर आए हैं, ठीक है। तो थंबनेल में देखा आपने, देखा कि क्या है रिजल्ट के बारे में और क्या है आपका फिर सिलेबस के अपडेट के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को तो पता चल गया होगा, उसके जो भी आपका जो सिलेबस वगैरह है, उसका जो एग्जाम पैटर्न है, वो सब तो पता चल गया होगा। लेकिन चलो फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ एक बार, लेकिन बिहार बोर्ड का क्या, ठीक है। सीबीएसई से रिलेटेड तीन न्यूज है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं अब तक आया है। तो उसी बात को क्लियर किया जाएगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ कि हम लोग सुनते आ रहे थे सीबीएसई के रिगार्डिंग कि सिलेबस ऐसे हम लोग का रिड्यूस होगा। हम लोग सुनते आ रहे थे काफी समय से सुनते आ रहे थे कि सिलेबस में रिडक्शन होगा। मैं कुछ दिखाने वाला नहीं कि हाँ कहाँ ये शो हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत बच्चे जो सीबीएसई के होंगे वो देख चुके होंगे, तो इसके लिए मैं कुछ शो करने वाला नहीं, मैं बस डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आप लोग को, याद रखेंगे। क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ, पहले हम लोग सीबीएसई की बात करते हैं फिर आते हैं बिहार बोर्ड पर। तो हुआ क्या कि सीबीएसई ने किया है क्लास 1 से 8 के बच्चों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी से चल रहे हैं, किया क्या कि सीबीएसई ने क्लास 1 से 8 के स्टूडेंट्स के सिलेबस में, क्लास 1 से 8 के स्टूडेंट के सिलेबस को स्कूलों पर छोड़ दिया है, स्कूल पर छोड़ दिया है, उसमें वो कितना रिडक्शन करते हैं। कहां तक के बच्चों, क्लास 1 से 8 स्कूल पर निर्भर करता है, ठीक है। स्कूल डिसाइड करेगा कि कितना ऐसे सिलेबस आप लोग का रिड्यूस करना है। सीबीएसई की बात है क्लास 1 से 8। 9 से 12 में क्या किया सीबीएसई ने, आपका जो सिलेबस है विथ एनसीईआरटी के साथ मिलकर के क्या किया है, देखिएगा। बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड में 33% सिलेबस में रिडक्शन किया है। बोर्ड में 33% सिलेबस में रिडक्शन किया है। पहले याद होगा आप लोगों को, याद होगा 33% पे आप पास हो जाते थे, होते थे ना, तो ये 33% रिडक्शन कर दिया है आपके सिलेबस में। 33% आपका सिलेबस घटा दिया गया है। कितना परसेंट बच्चों, 33% सीबीएसई की क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए 33% आप लोग का जो है सिलेबस में रिडक्शन आया है, ठीक है। ये बात हो गया, दो चीज जान लिया, एक तो क्लास 1 से 8 के लिए और क्लास 9 से 12 के लिए कि सिलेबस में रिडक्शन कितना है। अब सबसे बड़ा बात यहां पर यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली यह है कि एग्जाम पैटर्न में भी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है 2021 बोर्ड के लिए, कंप्लीटली चेंज किया हुआ है। आइए देख लीजिए वो भी क्या है, ठीक है। समझ लीजिए कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट है उनके दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसा है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट अभी बहुत खुश होंगे, होना भी चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए था सीबीएसई को, क्योंकि जो अभी पैंडेमिक जो सिचुएशन अभी पूरे कंट्री में है, इस हिसाब से तो ठीक है। क्या किया है सीबीएसई, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सीबीएसई जो क्या किए है, सीबीएसई ने आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसको कंप्लीट चेंज कर दिया। पहले था 20%, हम लोग ने जो एग्जाम दिए होंगे जो बच्चे 2020 में 2019 में, उसमें था 20% का ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, बाकी 80 मार्क्स का आपका थ्योरी था, ठीक। अब क्या किया सीबीएसई, बिहार बोर्ड वाला ही पैटर्न को अपनाया है, 50% आपका कर दिया है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और बाकी का 50% आपका कर दिया है सब्जेक्टिव। तो हो गया ना वारे न्यारे, बिहार बोर्ड का तो यही सिलेबस था ही, लेकिन अब सीबीएसई ने भी यही कर दिया है 2021 एग्जाम के लिए। तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट तो बहुत खुश,
होना भी चाहिए, एकदम अच्छी बात है, एकदम हो बच्चों, क्योंकि अच्छे मार्क्स भी इससे गेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है 50% आराम से ऐसे बनाने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया और ये 50% सब्जेक्टिव कर दिया। तो यही था कंप्लीट आपके सीबीएसई का रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज। मैं जानता हूं मैं थोड़ा लेट हूं आपको ये न्यूज देने में, बाकी सब चैनल्स पे आप लोगों को मिल चुका होगा, पर लेट हुआ इसलिए क्योंकि सोचा समरी तो शॉर्ट में समझा दूंगा आप लोग को, इतना लंबा क्या लेक्चर देना। तो शॉर्ट में बस यही था कि सीबीएसई ने किया है 1 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है वो आपका स्कूल डिसाइड करेगा, और जो 9 to 12 है वो 33% सिलेबस में घटाव कर दिया है, जितना चैप्टर पढ़ना उसमें 33% घट जाएगा। उस पे भी एग्जाम पैटर्न में चेंज कर दिया, 77% 100% में से 33% घटाते हैं, तो सॉरी 67% बचेगा, तो 67% में से आपका 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव, यही क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है सीबीएसई की तरफ से। तो बच्चों यहां पर सीबीएसई ने तो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, लेकिन बिहार बोर्ड का क्या, बिहार बोर्ड वाले बच्चे क्या पढ़ते नहीं है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे बच्चे नहीं है, उनका कोई सोचेगा नहीं। अब तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है कि सीबीएसई में रिडक्शन होगा, सिलेबस में रिडक्शन होगा या नहीं, सॉरी मैंने सीबीएसई बोल दिया, सिलेबस में रिडक्शन होगा या नहीं, अब तक कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आया है। ठीक है, जो था 2020 में जैसे एग्जाम दिया 100% सिलेबस वही है, अब तक कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, जरूर बताऊंगा। देखिए बिहार बोर्ड को भी करना चाहिए था, अभी से अगर करता तो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर लेते, आगे जाकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो दिक्कत नहीं होता। अभी क्या हुआ, सीबीएसई ने तो अपना अपडेट दे दिया, तो अब बच्चे भाई 33% से ऐसे खुश होंगे, और सिलेबस आने वाला है कि क्या पढ़ना है कुछ दिनों में, आई होप 1 से 2 दिन में आ जाएगा। बताया गया था सीबीएसई वाले अपडेट दिए थे कि जून के लास्ट में आ जाएगा, लेकिन अब तक आया नहीं है, तो मे बी आज या कल में आ जाए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि सिलेबस में क्या क्या घट गया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आप लोग को ऐसे मिल जाएगा। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से अनुरोध है, चाहे क्लास 10th के हो क्लास 12th के हो, जैसे पढ़ते आ रहे हो बच्चों पढ़ते रहो, रुकना नहीं। सिलेबस में कब रिडक्शन आएगा नहीं आएगा अभी तक इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है, आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और बिहार बोर्ड क्या करता है, हर बार की है, बिहार बोर्ड का नियम है वो एकदम लास्ट में, एग्जाम के एकदम लास्ट में आएगा और कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है 50% भी रिडक्शन कर सकता है, हो सकता है 1% भी रिडक्शन ना करे सिलेबस में, ये बिहार बोर्ड की नियत है, बिहार बोर्ड ऐसा ही करता है, हमेशा से है उसका। तो आप लोग तैयार रहना, अभी से जितना हो सके पढ़ते रहो, क्लास 10th क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को कहीं भी रुकना नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यही था आज का जो सिलेबस के रिगार्डिंग न्यूज। हमारे चैनल पर आप लोग को इसी तरीके से न्यूज और जो आपका सब्जेक्ट वाइज है वो आपको मिलते रहेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट रह जाए तो फिर से पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, जहां आपको पूछना हो वो पूछ सकते हो, ये आप लोग का फ्रीडम है, आप आराम से पूछ सकते हो। और हाँ फिर बता दूं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट अगर है क्लास 10th और 12th के तो वो पढ़ते रहो, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिए तो अब तक उसका कोई भी अपडेट निकल के नहीं आया, आएगा तो बता दूंगा, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहना। चलिए बच्चों यही था आज का हम लोग का न्यूज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और ये कोरोना से बचकर रहे, जितना दूरी हो सके बनाए, सेफ्टी मेजर्स को अपनाएं, और जितना हो सके घर पर पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जहां से हो सके पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका हमारे इस वीडियो पे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।